தன்னை கேளலானோ அஜி நிக் தேரே மன போக்கி தேக்கர்தா पैर करावेगी जो भले घर की पावेगी मरा खै सादा बाणा जो भले घर की पावेगी मरा खै सादा बाणा झूठ बोले कौआ कटे आला खटे गाना पार्टी को 101 रुपए इनाम के देते हैं खत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। वहां तक काबू है ना इरकिए कह लगियो कि मगर वह उल्टी चल है ये बात हुई बोला तुम एक कमरे में बंद हो और फिर चाबी खू जाएगी गगन की खेती डू जाएगी गगन की खेती डू जाएगी मेरा काचा कुणवाया सोदा बालिका चल यतिया जो कर रहा जमताना
तन्ने भी कोई थाले जा जब भी देखने जावे तू तन्ने भी कोई थाले जा जब भी देखने जावे तू कोई हाथ लगा नहीं सकता मत जल में घबरावे तू मत रंडा मन बनावे तू मत रंडा मन बनावे तू बड़ा डकनी तू निगलाना दोनों बक्ता दीप हो जाई दीपू रात खाना मैं बेहतर के लिखू घर ते बाहर रमेश कुमारी ने बोबी हरने रमेश कुमारी ने बोबी हरने मारा डोब दिया हरियाणा ये दुनिया कितनी कित जाली तेरा वो एक ख्याल पुराना के भैया आज का शाब की नई रागनी नया रंग तो आपकी फरमाइश शर्मा थे तो सुनिए कैसे क्या बता दिया क्या लिख दिया
से कनखोंठा के और किसे तबन जर बात मेरी नुकोर बहाना तू छरवाई न शरमाई हाथ पकड़ छागी पर समा सुपने में आई बात करन लागी मैं धोर गया व डरन लागी तेरे एकदम झट तर दूर गई वो कर दे करन लागी रहो तारा लगी सधारा हमारा याद मन ठगी करिश्मा सुपने में के बाद वो सेठानी दरवाजा खोलती ने बोला रामजादी
तेरे को पता नहीं था तेरा पति बाहर गया हुआ है। तू सुती पाई ने बोलियो कद लग तेरा इंतजार करूं, एक दिन की बात हो तो बैठी रहूंगी। और आज मेरी मजबूरी बन गई, कई दिन की नींद इकट्ठी हो रही थी और आज जा तो मेरी आंख लाग गई। और एक बात के द्वारा वो सेठानी क्या कहती हीरामल से के सुनिए मेरी गला के मजबूरी बनी कैसे क्या बता रहा, एक एक बोल सुनने का और किस तरह से कैसे क्या बता रहा। बोली वो आ तू तंगा या ना सोगी हो तेरी मत या बातें तेरे खेते की गोरी आज मेरे जीने हो मुश्किल हो रही, तेरी ही जीप चोरी होती है। आज मेरे चेहरे का नूर झड़े से अर नुक लगी देखे अपना दुख रोन लग गया। तू क्या मैं बाहर तायर तू सुती पाई तने इस बात का तो अंदाजा कुना किसान देख ली ने छोड़ के लेकड़े से और सारी रात अरे मेरे जी ने किए बने से बोला तेरी के लग बने हैं कुछ हक हम हक बताइए अगले सुन ले क्या कहा मेरे चेहरे का नूर हर नर जहल जमाल के चक्कर में तने तो इस दुकानदारी का भी बट्ठा बांध लिया। रात में उसने पढ़ाने चला गया, दिन में पढ़ के सो गया, दुकानदारी तो बैठे की हो अगर नुकन लगी हो दोहरा नुकसान कर रहा घर में। एक तो बीरबानी तड़फे जा और एक ने उनके कारोबार में हानि होने लग रही कैसे क्या कहा लक्ष्मी चंद संद से सो गया मेरे मार्ग में तू काके भोगा अरने बोली मैंने इस बात का बेरा तेरी गलती को ना थारी मर्दा की जाते इसी हो से जरा कितनी सुथरी बीरबानी हो और बाहर चाहे किसा डंगा उड़ राजी रहो पहले मत ने बहुत प्यारी लग गया करती पर जब तक जमाल तो मिल गया से ये मरी जरूरत को ना रही तेने अकीब कैसी बिजली पड़गी अगले सुन ले क्या कहा मेरे मार्ग में काके और तू तो बाहुला सा हो गया हो बाहुला सा हो गया नहीं के Yeah!
इस मौके की क्या जब फूल संशेर का शिकार खेल का आया और अपनी भाभी पर पीने के लिए पानी मांगा तो पानी पीने से इनकार कर दिया और ताना मार दिया के गणित को संबंध के चक्कर में उधर नोट टंकी ने बह लिया वह तेरे नखरे होता कि मेरे बस की बात नहीं। और जब भाभी ने इनकार करा और ताना मारा तो हाथ जोड़ लेता फूल संग ने बोला री भाभी न्यू मत कर मुझे करड़ी प्यास लगी हुई है थोड़ा पानी पिला दे कि नहीं मैं नहीं पियाऊंगी। तो जब बाबी छोम आई देखी तो हाथ जोड़ के वो फूल संग एक बात के द्वारा क्या कहता है क्या बता बोला कम्बम कम्बन नाला की डाला क्यों बट होनी मा जाओ वो फूल संग ने क्या कहा क्या बताया ये भी एक एल्बम से रंग है और किस तरह से कैसे क्या बता बोला पार्टी को इनाम के देते हैं हम प्रेमी को बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद और कैसे क्या कहा दूसरी कली में क्या बता रहे Yeah!
अपने भाई तेरी भाभी न जाके कहूंगा आ तेरे रिताने अब मैं कहूंगा कर छोड़ के सलाइन कर छोड़ के तू इतना दुशासन ये पूछने लगा कि भाई मैं इसको यहां तक ले आया, अब बोलिए मेरे लिए क्या आदेश है। बोला भाई तेरे लिए एक ही आदेश है कि इसकी साड़ी खींच के इसको नगन कर और मेरी जान के ऊपर बैठा। अब भाई का आदेश मिला, वो दुशासन उठ के द्रौपदी की साड़ी खींचने लग जाता। और जब साड़ी खींचने लगा तो पांचों पांडव वहीं पर बैठे हुए थे, भीम तो नहीं देखा गया, उठ के भाजा। बोले रे दुशासन, जिन हाथों से तू द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है ये मैं तेरे हाथ जड़ से उखाड़ दूंगा। बस उठ के भाजा। अर्जुन ने कोड़ी भर ली। बोला मेरे भाई हमारा बोलने का समय नहीं है, हम जुए में हारे हुए, धर्म पुत्र भी सारा करता बैठ जा। भीम मेरे भाई गुस्से को कम कर। और जब भीम थोड़ा ये करता देखा, क्रोधित होया देखा, तू दुर्योधन खड़ा होके और सभा में एकदम ललकारता है, ओ अर्जुन छोड़ इस मर्द मानस ने, मैं देखता हूं उसके अंदर कितनी ताकत और कितना बल है। सुन रहे है भीम, इस बालक का नकेदी देखा डबाई, हम को ना जानते तुम्हारी के सौदा धरा और क्या लाग रहे हो, तुम्हारे हंगे को तुम्हारी औरतें तुम्हारी लुगाई जानती है, जो उससे गड्ढा लग गया वो ठाक घर में पड़ गया, हमने कोई ना बेरा रहे। और ये बताते लोगों, वो दुर्योधन सभा में खड़ा होकर सबकी गर्दन झुक जाती है, जब वो खड़ा होकर ललकारता है और पांडवों को ताने मारता है और किस तरह से क्या क्या कहता है, क्या बताए रागिनी के द्वारा भला। बोला रे छोड़ दे कोड़ी, अरे इस योद्धा की
छोड़ दे कोड़ी इस योद्धा जी देखू किसी लड़ाई जाने दे अरे यो के जाने अठारे यंगे में वो धारी लोगारी का जाने सारी खेच के नगन करते हो बहु इसी हो आकर भाई बहु तो वो होते हैं जो पंचों में पलाई जाती हैं, जिनकी साथ फेरे लिए जाते हैं और तुमने तो
क्या एक भी आठ गाड़ ना रख रखी तुमसे गद्दा लग गया वो एक ठाकर घर में बढ़ गया पर बोलना कहना अवश्य तुमने तो और कैसे क्या थाने मारे क्या कहा देवी के साथ बैर है और नाग डसता है क्योंकि छह पुत्र पहले जा चुके थे। इस बात का बड़ा अफसोस था, दुख था। वह सती जागती रहती है, लक्ष्मण पढ़ के सो जाता है क्योंकि खुशी थी, जागया हुआ था। बहुत से सर्प आए, वो पकड़ के दूध के कलसे में बंद करती रही। मनसा देवी कहने रही, क्या बात हुई कि एक सती बैठी है वो पकड़ लेती है कि तुम बेवकूफ हो। थोड़ा गैप दो, गैप देने से वह सोचेगी कि अब तो बंद हो गए, वह भी सो जाएगी। उन सर्पों ने जाना बंद कर दिया। उस सती कभी विश्वास हुआ कि सारे बंद कर दिए तो तू भी लौट जा। वह लेट गई, पड़ते ही आंख लग गई। इतने में तक्षक नाग ने जाकर और लक्ष्मण के माथे में डंक मारा, वो कर रहा है, और उस सती की आंख खुली तो सर्प जाता हुआ नजर आया। अरे कित सो गए पहरेदार, मेरा पति खा लिया सांप ने। सब पहरेदार जुड़ जाते हैं, ए सती क्या हुआ कि जो ब्राह्मणों ने कहा था वही हो गया। राजा को बुला के लाते हैं, रानी को बुला के लाते हैं, रुधन मचाती है, नगरवासी जुड़ जाते हैं। वह सती फूट फूट के विलाप करती है। नगरवासी कहते हैं कि बेटी रोने से कुछ नहीं बनता, सबर कर, सबर करने से तेरा सतियों में नाम होगा। वे नगरवासी उस लड़की विपुला को समझाते हैं और क्या कहते हैं,
साहब 50 रुपए और देते हैं। पहलवान जी को बार बार धन्यवाद दिया जाता है। दानावास के ऋषिराज सरपंच साहब 50 रुपए देते हैं। पहलवान जी को बार बार धन्यवाद दिया जाता है। रवि ससीना पक्षपात, रवि ससीना पक्षपात, रस रक्त मजा मद में मिल गया। एक अमतर सा रूप दिखा के छोटे से कदम में मिल गया। जीव विनाश ब्रह्म की शक्ति उस घर की हद में मिल गया। कार्य कारण असूर छोड़ के परम पति पद में मिल गया। कौशक साहब गांव भोरी 100 रुपए देते हैं। भाई साहब को बार बार धन्यवाद दिया। मारे कहे की जब मारे कहे की मानेगी तेरी आपे ब्याह धमट जाएगी। शर उठेगी लाश कवर की तू
आप उलटी अट जागी तेरी थक जागी आवाज रोण से तू रोक आप डट जागी तेरी जगत सराना करया करेगा तू सतिया के मछकी जागी अमीर वजीर दीवान मसदी नो करे तू बोले बहू के रोए ते जंदा होसे कितने लाश जोने बहू बनी बनी के सब को दखी ना बिगड़ी का मोल बहू एक जगह जित करके बैठ जा मत होता मजोल बहू ठंड भंवर में ओ डोले नाव हमारी ओ परदेसी पिया ओ याद सताव थारी ओ थारी थल जंगल बने ठंड भंवर में डोले नाव हमारी ओ परदेसी पिया याद सतावे थारी ओ थारी थल जंगल बने सती के पति ने चाहिए सती की संभाल करना आजादी में होकर कहना आल से बेहाल करना सती के धर्म के ऊपर व्यर्था है सवाल करना सती के धर्म के ऊपर माया के बागीचे की बर्बादी ना करनी चाहिए घर घेरे के मुंह में फंस के आजादी ना करनी चाहिए बाल जति पति होते शादी ना करनी चाहिए ब्रह्म रूप भग वारस रूप हो ब्रह्म रूप भग वारस रूप से बेसक रो कमाई I'm
किसी सती पति और देव से लड़ाई मेरी तेरे में मिलूंगी हो जा दुनिया में बढ़ाई मेरी वो चढ़ते ने चढ़ाया करे आवा क्यों उड़ाई मेरी चढ़ते काल छारे के छन्ना पे मिलिया था लाल मन के करना था चाहे सारा क्यों ना ले गया बार तापू के मखड़ी देखूं दरियाई की उठे दाल मेरे दिल में दिल तार बसे मेरे दिल में तार बसे मेरे दिल की ओ दिल्ली न्यारी ओ पर देसी पिया याद सतावे थारी ओ थारी पंचो के माँ परनाई तन जब पकड़िया तो हाथ मेरा आंख ना खटी की बिंदी हाजर सारा गात मेरा वो टप्पू के माँ बिछड़ गया यो प्रेम भरिया साथ मेरा टप्पू के माँ बिछड़ गया माया की गाठड़ी उठाई बिजती नहीं दसनुआ की करी कमाई हाई बिजती नहीं तन माया की पेटी भरी लौटाई बिजती नहीं ओ तू मेरे बिन और मैं तेरे बिन तू मेरे बिन मैं तेरे बिन मरू राम बिन मारी ओ पर देसी पिया याद सतावे थारी ओ थारी बहुत खुशी ओई जब पिया की बरात आई पैदल और बार कसों में बहुत जनता साथ आई सोने ते कसों होए जब मेरी ब्याहन रात आई शादी के मुहूर्त मेरे सारे बारह बांट गए तो भी कैसा कुत्ता होगी घर छुटिया और गांठ गए माता पिता और सास ससुर के ये हुए ठाट गए श्री लक्ष्मी चन कहे एक जगह लक्ष्मी चन कहे एक जगह पड़े उस पत्थर भाई ओ पर